हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ बुबना। स्वागत है आपका चैनल एग्जाम गाइड में। तो हमने इंग्लिश वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आइए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरा रूट वर्ड है वो है ओमनी। क्या है ओमनी? OMNI, ओमनी। ओमनी मीन्स होता है ऑल, ऑल मीन्स सब, ओमनी मीन्स होता है ऑल। तो आइए देखते हैं ओमनी से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं और किस किस तरह के वर्ड बनते हैं। तो ओमनी से जो पहला वर्ड है वो है ओमनीशियंट। ओमनीशियंट, OMNISCIENT। देखिए यहां पे ये ओमनी आया है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, ऑल से। ठीक है, अब सीएंट में तो होता है साइंस। ठीक है, तो ओमनीशियंट उसको बोलते हैं जो सब कुछ जानता है, हु नोज एवरीथिंग, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है। Who knows everything, जो सब कुछ जानता है। क्लियर है? तो ओमनीसेंट हो गया जो सब कुछ जानता है। चीजों पे गौर कीजिए। देखिए ओमनी आपको जहां भी मिले कहीं ना कहीं रिलेट कीजिए, वो सब कुछ से है, ऑल से है। आइए दूसरे वर्ड में देखते हैं। दूसरा है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थिति और ओमनी मीन्स होता है सभी जगह। तो ऐसा पर्सन जो सभी जगह प्रेजेंट है, यानी भगवान, गॉड, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये हो गया ओमनी प्रेजेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओमनीवोरस। देखिए वोर मीन्स होता है खाना, वोर मीन्स होता है खाना, और ओमनी मीन्स होता है सब कुछ। तो ओमनीवोरस क्या हो गया? जो सब कुछ खाता है, हु ईट्स एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया? ओमनी वोरस, जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाने वाले को बोलते हैं ओमनी वोरस। आगे बढ़ते हैं। ओमनी कंपिटेंट। ओमनी कंपिटेंट, ओमनी मीन्स हो गया सब कुछ, कंपिटेंट मतलब जो हो गया कंपीट करने वाला, काम करने वाला। तो ऐसा पर्सन जो सब कुछ करने में कैपेबल हो, सब कुछ करने में कैपेबल हो, सब कुछ करने की क्षमता जिसके पास हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओमनी कंपिटेंट। तो आप चीजों को देखिए, ओमनी से वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, फिर हो गया ओमनीफाई। ओमनीफाई, ओमनीफाई मीन्स हो गया बड़ा करना, टू इनलार्ज करना। जो कोई छोटा है उसको क्या करना, ओमनीफाई कर देना, मतलब बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना। तो आप देख रहे हैं ओमनी से कितने सारे वर्ड बन रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, आइए देखते हैं। एक होता है ओमनी बस। ओमनी बस, ऐसा बस जो सबके लिए हो, बस फॉर ऑल, इसको बोलते हैं ओमनी बस, बस फॉर ऑल। क्लियर है? और देखिए, और होता है ओमनी फेरियस। ओमनी फेरियस, ओमनी फेरियस, ओमनी फेरियंस मीन्स होता है जो इसके ऑल फॉर्म्स हो, ऐसा चीज जिसके ऑल फॉर्म्स हो, वैरायटी जो बहुत सारे, ऑल वैरायटी जो जिसके पास, उसको बोलते हैं ओमनी फेरियस। क्लियर है? तो इस तरह से आप जहां भी आपको मिले ओमनी से वर्ड, तो इसका मतलब आप रिलेट करिए कि कहीं ना कहीं जो वो चीज है वो सब कुछ से रिलेटेड है, सब कुछ से रिलेटेड है, और उससे आप रिलेट कर कैंसिल आ सकते हैं। और आपके ध्यान ऑफ क्या, एक बार और देखते हैं। ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट, POTENT। ओमनी पोटेंट मीन्स होता है ऑल पावरफुल, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सारी शक्तियां जिसके पास है, उसको बोलते हैं क्या, ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल। तो देखिए हमने पांच वर्ड देखे, और उस पांच वर्ड से देखिए कितने सारे वर्ड हमने बनाए। ये पांच वर्ड हमने देखिए, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वोरस, ओमनी कंपिटेंट, ओमनी फाई। तो ओमनी से हम रिलेट करते गए, फिर देखिए ओमनी बस, ओमनी फेरियस, ओमनी पोटेंट। तो एक वर्ड है, रूट वर्ड है रूट, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, और उस रूट वर्ड से देखिए हम कितने सारे वर्ड डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, एक अंदाजा हम मोटा मोटी लगा सकते हैं कि उसका मीनिंग कहीं ना कहीं सब कुछ है, और हम एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हम अपलोड करते आ रहे हैं। पुराने वीडियो भी जो है वो अपलोड आप देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिए हैं, और डेली ये वर्ड आपको मिलते रहेंगे, पांच वर्ड डेली आपको मिलेंगे। उस पांच वर्ड को आप याद करके कम से कम 50 वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड सीखते रहिए। थैंक यू।